सो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगर नए न्यू वीडियो ऑफ कैसल क्रश। तो बहुत दिन के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से खेलने वाले कैसल क्रश। और तुम लोग टूर्नामेंट वाला गेम प्ले देखा ही होगा जिसमें कि गाइज मास्टर टूर्नामेंट विन किए थे। तो उसमें मेरे को जो सब लेजेंडरी कार्ड मिला था तुम लोग देख लिया, और जो होलो नाइट का स्टिकर था वो भी देख ही लिया। तो अब जो है यहाँ पर तुम लोग को डार्क एंजल टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाएगा। बस अब सीज़न एंड इस सप्ताह के अंदर हो ही जाएगा, इस वीक के अंदर सीज़न एंड हो जाएगा। तो उसके बाद तुम लोग को डार्क एंजल का सिंपल टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज गए आज के इस वाले वीडियो में जो है ना, हम अपना डेली एपिक कंप्लीट करने के साथ साथ यहाँ पर स्केलेटन वाला एनएफटी डेक से खेलेंगे, और साथ में डस्ट डेक वाला, और उसके बाद पावर डेक वाला एक खेलेंगे। तो क्योंकि हमको डेली एपिक करना है, तो तुम लोग बोल रहे थे कि सौरभ भाई आप वॉइस ओवर नहीं करते हो कैसल क्रश में, बहुत कम करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा यार मेरा हाल खराब करके रखा हुआ है। तो इसलिए सोचते क्या ही वॉइस ओवर करें, बट सब्सक्राइबर है तो यहाँ पे जो है खेल लेते हैं। तो फाइनली गाइज अब से हम कोशिश करेंगे जितना भी हम कोई भी गेम का अगर हम वीडियो बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हम लोग वॉइस ओवर का कोशिश करेंगे, मैं करूँगा कोशिश वॉइस ओवर का। तो फिलहाल अभी देखो यहाँ पर लेवल 10 का बंदा आ चुका है, और ये भी पूरा NFT यूज़ कर, आजकल NFT सभी लोगों के पास है। अगर NFT लाना चाहेगा वो आराम से ला सकता है, बट जो समझने वाले होते हैं समझ जाते हैं, जो नहीं समझने वाले होते वो थोड़े से देर से ही समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे ये वेलकाइड यूज कर लिया, और ये माना रिचुअल इसका भी अपग्रेड नहीं है, नहीं तो अगर इसका माना रिचुअल लेवल 7 का होता तो इसका वेलकाइड मतलब कितना लेवल 9, हाँ लेवल 9 का होता है एक NFT कार्ड। तो अगर इसका लेवल 10 होता भाई कौन दुनिया में हम भी घूम रहे हैं, बहुत दिन से यहाँ पे खेले भी नहीं, सिर्फ डेली मिशन कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम भी भाई गेम खेल रहे हैं। तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे गेम में तो कुछ अपडेट है ही नहीं, और गेम का सीन बहुत ख़राब कर चुका है, तो जो है वही खेल रहे हैं हम लोग भी। तो यहाँ पर जो है अगर इसके पास माना रिचुअल होता तो ये माना रिचुअल यूज़ करता तो ये लेवल 7 का यहाँ पर जो वेलकारी कर पाता। तो मैक्सिमम इंडिया का प्लेयर्स जितना भी होता है स्केलेटन डेक कैनॉन डेक यही सब यूज़ करते रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे स्केलेटन डेक का, सिर्फ इंडिया का नहीं भाई, अभी हर कोई अब बोलेगा इंडिया का ही नहीं भाई, ऑल टू ऑल मैक्सिमम लोग स्केलेटन डेक यूज़ करते हैं, हम खुद यूज़ किए हैं। तो भाई तो यहाँ पर जो है ये वाला मैच हम लोग निकालेंगे, और देखो यहाँ पे ये डबल ब्लैक विच यूज़ कर दिया, बट मेरा फिर से यहाँ पर जो है जिंदा हो जाएगा वेलकड़ी, मेरा वेलकड़ी लेवल 3 का है, और यहाँ पर फिर से एक और नेक्रोमेंसर आ जाएगा। ये बहुत कोशिश कर रहा था मेरा नेक्रोमेंसर को मारने का बट मार ही नहीं पाया, और भाई +42 का हम यहाँ पर स्पेक्चर बना लिया। तो तुम लोग बताना कि तुम लोग को गेम प्ले कैसा लगा कमेंट में बताना। और साथ ही गाइस यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि ये लोग NFT गेम भी बना दिया है, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट का पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये लोग का गेम एकदम बस चल रहा है, और जो प्लेयर खेलने वाले हैं वो तो अपना खेल रहे हैं डेली एपी के लिए, डेली मिशन ACS के लिए। मैक्सिमम अभी जो भी कोई प्लेयर होगा जो थोड़ा सा समझदार होगा वो सिर्फ ACS के लिए खेलता होगा, नहीं तो बाद बाकी जो ऐसे ही फालतू में अपना टाइम पास करता होगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है और सब फन के लिए, अब भाई जो दिन भर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मतलब अब तुम लोग खेलते हो तुम लोग टाइम पास फालतू में करते हो, वो नहीं बोल रहा भाई, सबका अपना मस्ती होता है, सबको मन लगता है अपना गेम खेलने में। तो कोई भी न्यू प्लेयर से या तुम लोग खेलते हो भाई अपना टाइम का लिमिट लेके, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिन भर ट्रॉफीज पुश करते हैं फालतू में अपना टाइम गवा के, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो भाई हम रस्ट डेक यूज किया, और रस्ट डेक में यहाँ पे जो मेरा स्टॉर्म एलिमेंटल को इसका मर्ड एलिमेंटल यहाँ पे मार दिया, और गलती हम स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, नहीं तो यहाँ पे मेरा स्टॉर्म एलिमेंटल बजा था, और ये अपना देखो पूरा पावर लगा दिया। रस्ट डेक में जो है ना हम यहाँ पे सही से डेक नहीं बनाया, हम बस डेली मिशन सोचते हैं कैसे भी डेली मिशन हो जाए, और उसी में जो कोई कोई यहाँ पे आके है हमको हरा देगा, बोलेगा वाह क्या बात है हरा दिए। और जब हम पावर डेक यूज करेंगे तब तो भाई यहाँ पे जो बहुत मेरे को हराने का बहुत बहुत कम चांस होता है, लगातार तो नहीं हारते भाई जितना रस्ट डेक सब में, मतलब ऐसे हारने को तो हारते नहीं है, बट कभी कभी दिमाग जो है कुछ अलग ही जगह चला जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हार जाते लगातार। तो इसके साथ गए यहाँ पे देखो फिर से आ चुका है लेवल 12 का, एक तो हम हार ही गए वो गलती कर दिए, तो देखो यहाँ पे ये वाला मैच हम निकल पाते या नहीं निकल पाते। ये लेवल 12 का है और ब्राज़ील ऑफिशियल ग्लेन का है सिंपली, तो इसके पास जो है NFT होगा ही, और 6079 स्कोर कर चुका है, तो ये चैंपियन के लिए चैंपियन बोले या क्या बोला, अभी तो टाइम है चैंपियन में, तो ये लोग दिन भर ऐसे ही पुश करता होगा। और भाई यहाँ पे वॉलेट लिंक का जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है,
कि अब जो है तुम लोग में से फ़िलहाल अभी कुछ अपडेट नहीं है, अगर कुछ अगर अपडेट वैसा आता है तो हम बताएंगे, क्योंकि कैसल क्रश में हम भी वॉइस ओवर करेंगे और इसलिए यहाँ पर वॉलेट लिंक का प्रॉब्लम है। तो तुम लोग फ़िलहाल जो भी अपना न्यू गेमर्स हो, अगर तुम लोग चाहोगे अभी वॉलेट लिंक करना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी डेवलपर्स इसका कोई नहीं है। और मेरे से ये सब सवाल मत पूछा करो भाई, जो लोग पूछते हो कि सौरभ भाई मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, भाई डिलीट हो गया है तो वो भूल जाओ, तुम्हारा वो अकाउंट कभी वापस आएगा नहीं। ये गेम का जो डेवलपर है उसका माइंड ही डिलीट हो चुका है, तो इसलिए भाई यहाँ पर सीन वही है। और साथ में जो मॉडरेटर्स है, मॉडरेटर सब जितना भाई सब एकदम एडमिन मतलब पूरा एकदम तानाशाह टाइप का है, हिटलर टाइप का, तो उसका जो मन करेगा वो वही करेगा। तो हमको ही भाई बैन कर चुका है कैसल क्रश का डिस्कॉर्ड से, और हमको वैसे उसका कुछ परवाह भी नहीं है कि बैन करो या नहीं करो। तो बहुत दिन से गए जब हमको बैन करके रखा ही हुआ है, तो उससे हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे और भी न्यू गेम ट्राई कर ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं, और कैसल क्रश भी बीच बीच में खेलते रहेंगे। तो तुम लोग को ऐसा नहीं कि भाई बोर नहीं होने देंगे, और तुम लोग जो बोले कि सौरभ भाई आप कैसल क्रश नहीं खेलते तो खेलेंगे ही, लेकिन भाई उतना भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमको अपडेटेड गेम पे ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा। और व्यूज पे वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज मेरा कम ही आ रहा है, तो सिंपली गाइस हम लोग क्लियरिफाई कर दिए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब मेरा मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे, आराम से इन्जॉय करते करते गेम खेलते हैं। एंड इसके बाद भाई यहाँ पे रश डेक जो है हमको 3 बार खेलना पड़ेगा, तब हमको मिशन कम्प्लीट होगा, क्योंकि मेरे पास 6 जो ड्वार्फ का कार्ड है जो कि हमको कोई दिया है, अब हमको बताएंगे नहीं पर्सनल भाई कौन दिया है, तो कोई हमको दिया हुआ है, मेरा फ्रेंड ये, तो वो हमको दिया है रेंट पे, लैंड करके दिया है और हम रेंट किए हैं, ठीक है। तो तुम लोग को पता होगा कि NFT अगर किसी के पास होता है तो तुम किसी को किराए पर दे सकते हो खेलने के लिए, उसका प्रॉफिट तुम ले सकते हो और कुछ उसको भी दे सकते हो प्रॉफिट। तो ये सब बात हम बहुत पहले बता दिए हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड पर बहुत सारा चीज़ हम लोग बताते ही है, और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है डिस्कॉर्ड पर तो और अच्छा से बताते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है ना ऐसा हमको एकदम चांटू मांटू अपोनेंट यहाँ पे मिल जाता है, और देखो भाई थैंक्स बोल रहा है, अब हम क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो 25 का माइनस यहाँ पर भी लग गया है, और इसके साथ हम सोच रहे हैं भाई क्या लगाए डेक में। तो यहाँ पे जो है 2 आर्च और 2 ड्वार्फ हमेशा जो है मतलब हारते हैं कुछ ज़्यादा, हम जल्दी सोचते यार कुछ डेक में कुछ चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एकदम चाटू माटू सब अपोनेंट मिलते रहता है, कि कब कौन कौन सा डेक यूज़ कर देगा कहना मुश्किल है। और हम तो भाई गेम सिर्फ डेली मिशन के लिए खेल रहे हैं भाई, डेली अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ACS मिलेगा। और इसके साथ हम अब यहाँ पे ड्वार्फ का यूज कर देंगे, चलो ड्वार्फ का भी यहाँ पे यूज हो गया है। और उसके बाद डबल आर्चर दोनों लेन में आर्चर है NFT, और फाउंडर कार्ड में फिनिक्स को उतार देंगे बीच में, तो ये वाला निकाल पाते या नहीं। और भाई ये यहाँ पे जो है पॉइजन का यूज कर दिया, और मेरे पास मेरा लक ही खड़ा हुआ है भाई, मेरे को प्रोटेक्शन दिया ही नहीं अभी तक। और उसके बाद स्टैंड अवेयर से आया, हम इस साइड सभी कार्ड को लेकर आ चुके हैं, और उसके बाद फिर से स्टैंड अवेयर से आया, बट भाई क्या करेंगे भाई, अपोनेंट ही इस टाइप से मिलता है भाई यहाँ पे जो जीतना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बार फिर से हम यहाँ पे स्टैंड अवेयर, और इस बार भाई मेरा स्टैंड अवेयर कुछ काम दिया, और भाई अब देखो अब जाके प्रोटेक्शन आया है, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा लिए। तो क्या गाइस ये वाला मैच हम लोग निकाल पाएंगे, तो देखने वाला बात होगा, निकाल लेंगे तो वही बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारा मैच ऐसे हारते हैं जीतते हैं क्या ही कर सकते हैं। डेली मिशन में यही एक दिक्कत होता है, क्योंकि एक सटीक डेक बना के अगर हम खेलेंगे, अगर पावर डेक एटलीस्ट इस टाइप का या स्क्रीटन टाइप का, तब तो भाई जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीन अलग ही होता है। और इसके साथ हम यहाँ पे यूज कर दिए हैं रेच का, और अब यहाँ पे जो है और भाई ये यहाँ पे 84 ट्रॉफीज ओनली बचा हुआ है, और स्टैंड अवेयर्स आ ही गया, और वैसे भी ये हार जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो ना अच्छा खासा ये डेक कम्बिनेशन बनाया था, बट बेचारा टिक नहीं पाया, और इसके साथ हम लोग का अब यहाँ पे विक्ट्री चेस्ट ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का हो चुका है विक्ट्री चेस्ट ओपन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग विक्ट्री चेस्ट ओपन करके यहाँ पे फिर से एक बैटल स्टार्ट कर दिए, और इस बार भाई लेवल 14 का फिर से अपोनेंट मिल चुका है, फिर से मतलब लेवल 14 का तो बहुत कम ही मिल रहा है फिलहाल अभी। तो हम भाई चैंपियन जाएंगे, तो फिलहाल अभी चैंपियन करेंगे आराम से, चैंपियन का भी वीडियो लाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा पायरेट्स का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ड्वार्फ कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हम पायरेट्स का यूज करते हैं, तो देखते ये वाला मैच निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और हम इसका जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करके कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, और इसका जो यहाँ पे इसको मर जा, ये विंड मार दिया भाई, विंड मार दिया, तो यहाँ पे जो है हम इसका व्रेथ को नहीं मार पाए। तो भाई जितना भी मिल रहा है ना सब NFT वाला ही मिल रहा है, क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर 3 से
ऊपर ट्रॉफी जमेड़ा, तो जो भी हमको यहाँ पे अपोनेंट में मिलेगा सब यहाँ पे जो हमको NFT वाला ही मिलेगा। और भाई यार बताओ क्या ही बोलेंगे, तुम बताओ, यहाँ पे बोनियार्ड यूज कर रहा है, पावर डेक में बोनियार्ड यूज कर रहा है, ब्रेथ यूज कर रहा है, NFT जब से आया भाई दिमाग का जो है एकदम पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो रश डेक से तो फिलहाल हम रश डेक में जो हमको और भी कार्ड होता कुछ अलग टाइप से तो और भी अच्छा बनता, हेलो नाइट होना चाहिए था एक एटलीस्ट तो यहाँ पे कुछ काम आता। वैसे फिलहाल रश डेक में अभी जो भी हम बनाए सही उतना नहीं बनाया, बट कर भी कह सकते हैं, तो डिपेंड करता है अपोनेंट भी किस तरह से मिलता है। तो भाई देखो यहाँ पे जीता हुआ मैच था और ये हार गए, तो ऐसे गए जहाँ पे जो और 12 का वनली माइनस लगा, और ऐसे गए जहाँ पे एक आध दो मैच बीच में खेले हारे जीत गए, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे इतना ट्रॉफीज मेरा घट के यहाँ पे आ गए डायरेक्ट 5856 ट्रॉफीज हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे जो ये वाला मैच को निकाल लिए थे, तो तुम लोग देख सकते हो ये भी लेवल 13 का बंदा है, लेकिन शायद इसके पास NFT है या नहीं हमको ध्यान नहीं दिए थे। तो यहाँ पे जो है इस बार ड्रॉ जो है ना थोड़ा सही टाइमिंग पे दिया है, लेकिन हमको एक प्रोटेक्शन भाई बहुत लेट से देता है, प्रोटेक्शन हमको सही टाइमिंग पे देता नहीं है कि भाई मतलब एक साथ जो है छोटा जितना भी कार्ड है वो दे दो प्लस प्रोटेक्शन दे दो एटलीस्ट, वो सही रहता है, फिलहाल प्रोटेक्शन दिया नहीं है। और यहाँ पे ये यूज कर दिया है आइस एलिमेंटल लेवल 12 का आइस एलिमेंटल कार्ड, इसका मैक्स है लेकिन जो है कार्ड अपग्रेड नहीं मतलब NFT नहीं है। और यहाँ पे अब दिया प्रोटेक्शन, तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा लेंगे, तो यहाँ पर भाई NFT सही में इसका NFT नहीं है, लेकिन ये जो है लेवल 12 का यहाँ पे मर्ड एलिमेंटल यूज कर दिया है। भाई अगर तुम्हारे पास NFT नहीं होगा ना तो सिंपल सा जानो, और NFT नहीं होगा तो मैक्स लेवल कार्ड होना चाहिए अगर तुम ग्रैंड मास्टर 3 से ऊपर चैंपियन तक ट्रॉफी पुश करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास NFT नहीं होगा तो एटलीस्ट मैक्स लेवल कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, तो ही भाई तुम इस गेम में टिक पाओगे अगर तुम ट्रॉफीज पुश करना चाहते हो ज़्यादा, तो नहीं तो ऐसे खेलना चाहते हो तो खेलो भाई क्रिस्टल 5 क्रिस्टल 6 क्रिस्टल क्रिस्टल 7 5000 के ना ग्रैंड मास्टर 2 तक के अंदर उतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, जैसे ग्रैंड मास्टर 3 से ऊपर जाओगे तब जो वहाँ पे तुमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई NFT अपोनेंट डायरेक्ट 5800 से ऊपर अगर तुम जाते हो। और अगर सीजन एंड हो गया भाई तो सीजन एंड होने में तो तुमको ग्रैंड मास्टर से NFT अपोनेंट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कब क्या कौन किधर मिल जाएगा करना मुश्किल है। तो अब हम यहाँ पे जो है डेक चेंज कर लिए, और डेक में हम यहाँ पे जो है ना पावर डेक वाला कुछ कार्ड लगा लिए हैं, क्योंकि मेरा तुम देख ही सकते हो जिसमें कि हम 45 लगा और विंड नहीं लगाएं, क्योंकि इससे जो है मेरे पास जितना भी कार्ड है जो कि हम किसी से उधार पे लिए खेलने के लिए रेंट पे, और कुछ कार्ड मेरा अपना पर्सनल है NFT, तो यहाँ पर हम उसका मिशन कम्प्लीट कर लेंगे तो हमको ACS मिलेगा। तो ACS से गाइस तुम क्रिप्टो हम बता ही दिए हैं बहुत बार, बट फिर भी जो नहीं समझते हो बताते भाई। इसमें होता है क्या कि जैसे मानो फैन डांसर कार्ड है और गोलेम कार्ड, ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कार्ड अगर तुम्हारे पास होगा तो तुमको ये पर डे का 1 AP देगा, और 1 AP का कितना 1.5 कुछ ACS अभी बनता होगा, क्योंकि अभी ACS का रेट बहुत घट गया है। स्टार्टिंग टाइम में 1 AP का जो 3 ACS का दाम होता था, लेकिन अभी जो है भाई यहाँ पे इसका दाम बहुत ज़्यादा घटा दिया है। तो इसलिए अगर तुम जैसे मानो फैन डांसर से खेला और फैन डांसर का कार्ड NFT कार्ड से तुमको 1 AP मिला, तो 1 AP गाइस तुम्हारा नेक्स्ट डे 6:30 बजे के करीब वो ACS में कन्वर्ट हो जाएगा, और ACS को तुम अपना क्रिप्टो में चेंज कर सकते हो, और उस क्रिप्टो से जो है अगर तुम चाहोगे अपना पैसा बनाना तो अपना रियल मनी भी बना सकते हो। तो ये है भाई NFT वाला गेम, और अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो मेरा डिस्कॉर्ड में चुपचाप आ जाना, तो डिस्कॉर्ड में पूछ लेना भाई हम बता देंगे, बट लॉजिक टाइप से क्वेश्चन पूछना, ऐसा नहीं कि भाई समझ रहे हो और फिर भी फालतू तरह से जवाब कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो भी बंदे होते हैं वो लोग को समझा देते हैं पूरा एकदम बच्चे की तरह समझाते हैं, बट फिर भी जो वो लोग का भेजा में घुसता नहीं है। और भाई यहाँ पे चलो गेम में यहाँ पे आ जाओ, और ये बंदा भाई इसके पास पूरा NFT है भाई, और भाई डबल कैटापुल्ट लेवल 13 का NFT है तो हो गई, और साथ में यहाँ पे ये यूज कर रहा है अनचन डिमन, और भाई कैनन शॉट वाला भी कार्ड यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा फायर विच बोल रहे भाई, डबल का याद आ रहा है, यहाँ पे जो है हम ब्लैक विच यूज कर दिए, बट उसके साथ यहाँ पे मेरे पास इंचेंटेड फिर से आ गया, और इंचेंटेड का जो यहाँ पे यूज कर दिए हैं एकदम सही टाइमिंग पे, और यहाँ पे फिर डबल इंचेंटेड है वैसे, और यहाँ पे हम ड्रैगन उतार सकते, और भाई ये देखो विंड दे दिया है भाई, कितना कैनन आ रहा है यार, कैनन तो बहुत दे रहा है, और साथ में जान ग्रोथ यूज कर रहा है सब NFT वाला है, मतलब ये भी शायद डेली मिशन कर रहा होगा, पता नहीं डेली मिशन ही कर रहा होगा या इसके पास यही डेक वाला NFT कार्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो चलो इसका कैटाबोल्ट को यहाँ पे हम मार देंगे। तो कैटाबोल्ट को ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया था जान करके, और इसके बाद भाई यहाँ पे देखो ये मेडल वेंडल को ही बड़ा कर ही लिया था। तो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही, और मिलते हैं जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग वाले अपडेट का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हीरोइक मैजिक डबल गाइज तो लोग वीडियो देखना मत भूलना, और कुछ न्यू गेम लाते हैं तो यार देखा करो थोड़ा सा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।